धार जिले की तपोभूमि साधु संतों का नर्मदा की गोद में बसा पुनीत धाम कोटेश्वर अब पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। मंदिर चबूतरे सब डूब गए हैं, नर्मदा के जल में इंसान तो डूब ही रहे हैं पर अब तो भगवान भी आपदा से बचे नहीं हैं। शासन इंसानों को अलर्ट कर बाहर जाने की सूचना जरूर दे रहा है परंतु मंदिरों को सुरक्षित कैसे निकालें इसमें वह असमर्थ है। तस्वीरें देखें तो कोटेश्वर का अस्तित्व ही नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नज़र नहीं आता, केवल पानी ही पानी जहाँ तक नज़र डालें, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। तपोभूमि कोटेश्वर अब कब लौटेंगे भगवान और भगवान के दर्शन कब होंगे भक्तों को, यह तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। और मंदिर डूब की जद में आ गए हैं, अभी तक ना तो मंदिर शिफ्ट हुए हैं और ना ही कोई पहल हुई है, क्या कारण है? कारण है कि अभी तक शासन के मंदिर है, शासन इसको संचालित करता है, तहसीलदार महोदया इसकी अध्यक्ष है, लेकिन करोड़ रुपए होते हुए भी अभी तक न तो मंदिर बनाया गया है न मूर्तियां वहां से डूबने की मंदिर डूबने की स्थिति में, लेकिन अभी तक मूर्तियां नहीं हटाई गई और निजी मंदिरों की शासन उस पर दबाव डाल रहा है कि आप तत्काल मंदिर शिफ्ट किए जाए, ऐसा क्यों भेदभाव? आस्था का मंदिर हमारा कोटेश्वर का राम मंदिर जो डूब क्षेत्र से प्रभावित है उनके चारों ओर पानी फैल गया और मंदिर में पानी घुसने वाला है, फिर भी प्रशासन ने वहाँ से अभी तक भगवान राम की मूर्तियों को और उनके बजरंगबली सीता माता को अभी तक हटाया नहीं। ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की थी, प्रशासन में तहसीलदार नायब तहसीलदार SDM सभी जिम्मेदार व्यक्तियों ने अभी तक भगवान की सुध नहीं ली, तो आम व्यक्तियों के सुध क्या लेगा?